बिग बॉस सीजन 17 में अभिषेक कुमार से फैमिली वीक में भी कर लिया है घर वालों ने झगड़ा। विकी जैन तो इस हद तक चले गए कि विकी ने आयशा से ये कह दिया कि तुम इससे बात करनी छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ सारा दिन रहूंगा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, मैं करूंगा तुमसे बात। इस झगड़े के बाद अभिषेक इतने अकेले हो गए कि वो गार्डन एरिया में पड़े सोफे पर जाकर लेट गए और अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक को अपनी मॉम की याद आई, अपनी माँ को याद करके रोने लगे अभिषेक कुमार। इतना ही नहीं, अभिषेक ने सोफे पर लेटकर अपनी माँ के लिए शायरी भी बोली। अभिषेक कुमार ने अपनी माँ के लिए कहा, अगर तू ना आती तो सूना लगता ये घर, तेरे आसपास रहने से लगता नहीं किसी से डर, तेरे सपने अब मैं पूरे करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तू हुकुम तो कर। जी हाँ, अभिषेक ने ये शायरी अपनी माँ के लिए कही, अगर तू ना आती तो सूना लगता ये घर, तेरे आसपास रहने से लगता नहीं किसी से डर, तेरे सपने अब मैं पूरे करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तू हुकुम तो कर। और काफी इमोशनल हो गए। अभिषेक को इस तरह इमोशनल होते देख फैंस को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से एल्विश यादव की याद आ गई। एल्विश भी इस तरीके से अकेले बैठकर अपनी मॉम को मिस कर रहे थे। एल्विश भी इसी तरह अपनी माँ की याद में आंसू बहा रहे थे। अभिषेक कुमार फिक्र मत कीजिए, आपकी मम्मी जल्दी घर में आने वाली है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।